मैं दर्शन करने गुरु का, मैं दीदार करने जाने सच्चे पातशाह दा। आनंदपुर साहब घरवाली नूं कहिंदा सी रल के चलांगे, फिर चलदे क्यों नहीं? ने आख्या कोई भेटा तां तैयार कर लवो, कोई भेटा लै चलनी है, खाली हथी नहीं जाना। गुरु के हजूर खाली हथी जाए तां खाली हथी आउंदा। देव दर्श गुरु दर्श राय के मिलने जाइए, पंजा थावां ते बंदा खाली ना जाए। पर जे अमर मजबूरी इहदे कोल कुछ भी नहीं तां भई ओ जाने हथों खाली आ जावे, पर सिदकों खाली ना आवे।
सिदकों खाली दी जोली सदा खाली रहती। तो आखिया कोई फेटा ले चला, ते फेटा लैन विच की मुश्किल है, कोई चंगी तो चंगी चीज जाओ बाजार ले आओ। उन्हें आखिया नहीं, बाजारी चीज फेटा नहीं ले जानी, ते फिर क्या ले चलोगे। उन्हें आखिया तैनू पता है मैं कारीगर हाँ, मैं कारीगर हाँ और मेरा नाम दूर दूर तक है। मेरिया टाला बनाइया लोग दूने चौने मुल तो खरीद के ले जाते हैं, ते मैं एक ऐसी टाल बना रहे हैं पातशाह दी भेटा करने वास्ते। बस जिस वेले वो टाल बन गई आप चलांगे और वो ढाल जाके मत्था टेकांगे ते साहब दियां खुशियां लवांगे। तो वो दिन आया सुभागा जदों ढाल बन गई ते भाई लाल सिंह परिवार सहित आनंदपुर साहब आया। गरीब नवाज आए अनेक जन्म ब्रह्म सरणी, उजर दे अंधकूप ते लावो अपनी चरण। ढाल अर्पण कीती मथा टेकया, डुब डुब अखां भरिया भाई लाल सिंह दियां, हथ जोड़े पातशाह आ तुझ बेटा कबूल कर। हजूर ने ढाल चुक ली, देखी अच्छी पातशाह, सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। भाई बहुत अच्छी दा क्या सबूत है? लाल सिंह ने आखिया गरीब नवाज सबूत इसका यह है कि इसनू कोई विन नहीं सकता। ये अजमाना चाहो हजूर तो बेशक अजमा लो, कोई सूरमा सद कोई तिखा तीर चिल्ले चढ़ाए ते टाल ते ओ तीर चलाए। गरीब नवाज इस ढाल नू कोई विन नहीं सकत, किड्डा सूरमा होवे किड्डा बली होवे कितना तान लाए ए ढाल न भी नहीं जाएगी। ए लाल सिंह दी बनाई ढाल है। हजूर सोची पै गए, हुणे रो रहा सी बेनतियां कर रहा सी बड़े निमाने मन नाल तरले विच, ते हुणे ही अंदर हौमे आ गई। मेरा सिख तां इंज नहीं बोलता, जापदा इनू संगत नहीं मिली, क्योंकि संगत विच जेड़ा वसदा होवे उनू बोलन दा चज हुंदा। संगत विच आके भी जिसनू बोलन दा चज नहीं आया, जानो दी संगत विच हाजरी नहीं लगी। जिन्हां दी संगत विच हाजरी लगदी है उन्हां दा सब तो पहले बोल बदलदा। सत बोलो श्री वाह। संगत विच इस प्रेमी दी हाजरी नहीं लगी, क्योंकि इसका बोल नहीं बदलिया। सतगुरु दे सामने बह के एडे हौमे दे अखर आखने ढाल नू कोई नहीं विन सकता। भावे कोई भी ना विन सकता होवे, पर अपने मुंहो लाल सिंह नू कहना नहीं सी सोभदा। पर अजे तां इह हौमे दा बीज है बीज, ते जे बीज ब्रिक्ष बन गया तां फिर पुटना औखा हो जाएगा। क्यों ना इस बीज नू ही पहला फलन फुलन दा मौका ना दिता जाए और इहदी हौमे हुणे ही निवृत कीती जाए। तां साहिब ने आखिया लाल सिंह कोई भी नहीं विन सकदा। नहीं पातशाह कोई भी नहीं विन सकदा। गल इत्थों तक वध गई के लाल सिंह ने आखिया पातशाह जी अजमायश करनी है तो आप भी तीर चला वेखो। ये ढाल नहीं भी नहीं जा सकता। लाल सिंह ये ढाल मैं भी नहीं विन सकता। अखे जी नहीं, क्योंकि मेरी उम्र बीत गई है इसे काम में। मैं अज ताई ऐसी ढाल नहीं बनाई। जड़िया अगे ढाला बनाईया हन वह भी नहीं सदमिनिया जांदियां, ते तां मैं खास बनाई है पातशाह तुहाडी बेटा करन वास्ते। बेशक अजमा के देखो, ये ढाल मेरे सीने ते बन दिओ, ये ढाल मेरी छाती अगे रख दिओ, तीर चलाओ गरीब नवाज। जे ढाल विन्नी जाए तां मेरा हिरदा भी नाल विन्निया जाए। पठान शिस्त लांदे सन सिर ते दीवा जगा के, सिर ते बत्ती जगा के, उस बत्ती नू गोली मारनी, बत्ती बुझ जाए सिर नू आंच ना आए।
ये कारागरी है, ये निशानाबाजी है। तो गरीब नवाज बेशक मेरी छाती ते ढाल बन के आप तीर चलाओ, जे ढाल विनी जाए तो नाल लाल सिंह भी बेशक विनिया जाए। पर गरीब नवाज ये ढाल नहीं विनी जाए। साहब ने आख्या अच्छा ढाल विनांगे और कल जिस वेले कीर्तन दा भोग पवेगा लाल सिया ए ढाल जरूर विनी जाए। लाल सिंह ने आख्या गरीब नवाज बार बार मेनू कहना शोभदा नहीं पर ढाल नहीं विनी जा सकती। नहीं लाल सिया कल पता लग जाएगा सवेरे कीर्तन तो बाद। ता लाल सिंह ने ढाल चुक ले जी फिर मैं सवेरे ढाल ले आवांगा। मन विच के किते राती ढाल ना बदला लै केडा सिदक नाल आया सी किडे प्यार विच बोलिया सी कह रवदास आस लग जीवा। तो मन विच आई किते राती ढाल ना बदल लैन जी मैं ढाल नाल ले जाना सवेरे ले आवांगा। ले जा भाई सवेरे आ जाई वक्त नाल। इस वेले घर गया घरवाली ने आखिया भोगता कदों दा पै गया मैं मत्था टेक के आ गई तुसी ढाल पेश करन लगे सी इतनी देर ला दित्ती। तो उसने सारा माजरा सुनाया आखिया देर इंज लग गई है कि गुरु नाल शर्त ला बैठा। ओ आंदे सन ढाल विनी जांदी है मैं आंदा सा नहीं विनी जांदी। अखीर गल इत्थे मुक्की है कि साहब ने आखिया कल असी इस ढाल नूं विनांगे। घरवाली ने रोक के आख्या है गुरु नाल मत्था ला आयो कि गुरु इस ढाल नूं नहीं विन सकदा गुरु जे चाहे ता आकाश विन दे। ओ सर्व कला समर्थ ओ सर्व शक्तिमान ते तू गुरु नाल मत्था ला है ए ता डुबण दी गल कर ए ता गरकण वाली बात हो गई। आए सा लाभ उठावन जावांगे नरकां। घरवाली ने जिस वेले समझाया ताई आखिया घरवाली वजीर है बादशाह किते गलती करे ते वजीर होवे सियाणा संभाल लैंदा पर जे वजीर मूड़ मत होवे ता बादशाह भावे किड्डा सियाणा होवे ओ राज कदी नहीं वसे। वजीर सदा सियाणा होवे वजीर अकलमंद होवे। तो ये सियाणी सी समझदार सी सिदक वाली सी इसने अपने पति नूं प्रेरिया समझा लिया। उन्हें आखिया ते फिर हुण की बने मैं तो बड़ी सभा विच सबना दे सामने ये तय करके आया भी सवेरे ये ढाल मैं लियावांगा और इसनू कोई विन के दिखाए। ते सच्चे पातशाह ने आखिया असी विनांगे हुण की बने। उन्हें आखिया हुण होर कोई वाह नहीं सवेरे सवेरे जाओ ते पंज सिंह लिया मैं प्रसाद पकावांगी उन्हां पंजां सिंघां नूं प्रसाद छकाओ। ते जिस वेले ओह प्रसाद छकण ते फिर करन अरदासा उस वेले असीं बेनती करांगे कि प्यारियो तुसीं गुरु दा रूप हो तुहाडे विच गुरु नानक वसदा है कृपा करके अरदासा करो मेरा बचन सत होवे। सवेरे उठिया भाई लाल सिंह पंज सिंह बुला ले आया घरवाली ने प्रसाद पकाया ते जिस वेले परोसिया पंजां नूं छकाया ते फिर अरदासा करन लगे तां दोवें आ गए सनमुख। ओ जिवें भाई बुद्धू कुम्हार पंजवें पातशाह दे अगे आन खड़ोता सी गल पल्ला पा के गरीब नवाज मेरे ते कृपा करो मैं आ भी पकाई सी इटा दी पर इटा पकियां नहीं कचियां रह गईयां। सतगुरु आखिया भाई बुद्धू गुरु नू घर लिया के ए केड़ी गल कर बैठा इटा पक्कियां नहीं होईयां फिर की होया। ए तां संसारी पदार्थ हन तुच्छ मात्र हन ए तां परछावां है बदल दी छां है। तू गुरु तो कोई वड़ी छै मंग कोई अगां दा सुख मंग। उन्हें आखिया जी आस अगां दी रख के मैं नहीं सदवाया आवा पक्का करन नूं प्रसाद छकाया।
तो इसे तरह ए भाई लाल सिंह भी घरवाली समेत पंजा सिंह दे सन्मुख आन खड़ोता हो गुरु के प्यारे हो गुरु रूप खालसा जी मेरी एक बेनती है मेरी अरदास करो मेरी अरदास करो कि मेरा बोल सत हो मेरी अरदास करो कि मेरी पैज रहे आवे। उन्होंने अरदासा कर दिता उच्चारण करो श्री वाह। तो पंजा प्यारिया ने जिस वेले अरदासा कर दिता ते भाई लाल सिंह ने चुकी डाल ते तुरिया दसमेश पातशाह दे दरबार जा मत्था टेकिया कीर्तन दी होई समाप्ति ते साहब ने बत्थे चो तीर खिचिया कमान ते रखिया संगत सारी त्राय त्राय कर रही है ओ भाई लाल सिंह की कर रहे गुरु नू चैलेंज कर रहे प्रतख जारी कला वाले पातशाह दे नाल भाई लाल सिंह तू मत्था लाई खड़ोता अजे भी वेला ही चरना ते डिग पाओ ते माफी मंग ले पर हुण भाई लाल सिंह ने आखिया हुण ता जो कुछ होना सी हो चुका लो गरीब नवाज मैं डाल छाती ते रख के खड़ोता साहब ने तीर चुकिया चिल्ले चढ़ाया ते जिस वेले खिचिया संगता ने कलेजे कंब रहे सन इस तीर नाल खबर नहीं है डाल ते लाल सिंह किथे जाणगे पर साहब ने तीर खिच के ते चलाया नहीं तीर ते कमान दोवे रख के लाल सिंह वल तकिया ते आखिया लाल सिया क्या कीती बोल बादशाह चलाओ तीर उन्हें आखिया किथे चलावा अगे गुरु नानक खड़ोता है किते मेरे सिंघां नूं प्रशादा छका के अरदासा तां नहीं सोदिया तो लाल सिंह ने डाल सुट के चरण फड़ लए जी पातशाह एक यही वसीला सी बाकी यही एक जुगत सी तैनू किने जुगत दसी जी मेरी घरवाली आखिया लाल सिंह फिर तेरे घरवाली दा बड़ा सिदक है ओदे सदके तैनू बख्शे तेरी ढाल दे अगे नौ पातशाहियां खड़ोतियां सन अगे गुरु नानक पिछे गुरु अंगद साहब मगर गुरु अमरदास ते जिस वेले सी तीर कमान ते रखिया ते तेरी ढाल वल कीता सिद्धा तां सामने गुरु नानक छाती तान के खड़ोता है मार लो ती हुण कौन तीर चलाए लाल सिया वही धन तू है जिसनू सिखा ते सिदक आया गुरु ते सिदक ना आया सिखा ते आ गया ता ही बख्शिया गया पर सिदक दी कणी होवे ता सही किसे ते ता होवे गुरु ते हुंदी ता भी धन भाग ते जे गुरु दे सिखा ते सिदक आ गया ता भी धन भाग लाल सिंह अग्गिया कोल सदिया ते आखिया डाल उथे रख दे आ मेरी छाती ना लग प्यार कीता बख्शीश दिती जा लाल सिया जिवे तेरी टाल नू कोई नहीं विन सकदा ना तिवे भाई तेरा कोई लेखा नहीं पूछ सकदा बख्शे हुण तो जिथे जाएगा ए जड़ी आसा तू अपनी प्रगट कीती है आस लग जीवा ए दर्शन तेरिया अखियां तो कदे ओले ना होए तो साडे गले विच नित नेम दी पई होवे जेवड़ी ते जिस वेले होवे अमृत वेला गुरु दी आवाज आवे गुरु ओ जेवड़ी खिचे ता असी झट त्यार बर त्यार होके गुरु के दरबार हाजिर हो जाए। तो जो कोई गुरु का प्यारा ए नितनेम रखेगा अमृत वेले जागण दा इशनान करण दा नाम जपण दा संगत विच आवण दा ओदा लोक सुखी ते प्रलोक होएगा सुहेला। हुण कीर्तन समाप्ति भुला चुका बख्शणियां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।